हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लो जी, सुबह का ब्लॉग है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ मार्केट और वहाँ से टेलर से सिलवाने जा रहे हैं सूट। तो ये मेरा वाला है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। तो ये सूट मेरा है और ये मैं मामा जी के लिए सिलवा रही हूँ ये वाला, ठीक है। तो अभी ये खरीद के बताओ रखे हैं, लेकिन सिलवाने का टाइम नहीं मिल रहा, तो हमने सोचा कि अभी ही सिलवा लेते हैं। तो आज ना स्पेशली मैं जा रही हूँ मार्केट, तो सूट भी सिलवाएंगे और साथ में थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। तो फटाफट मैं इनको डाल देती हूँ बॉक्स में। तो इसके साथ देखिए, ये शायद फ्लेयर फ्लेयर बनेगा बड़ा वाला, तो मैं खुला फ्लेयर सिलवाना चाहती हूँ इसका। देख लेते, नहीं तो शरारा भी चलेगा। तो ये इसका दुपट्टा है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा दुपट्टा है फ्रेंड्स, और काफ़ी मतलब हैवी है, भारी भी है थोड़ा। तो कैसा लग रहा है आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि ये कलर सूट कर रहा है या नहीं। तो मुझे ना ग्रीन कलर, मेरे सूट बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं बस अभी ग्रीन कलर के सूट जो है सिलवा रही हूँ। तो चलिए अभी इसको मैं फटाफट फोल्ड करके डाल लेती हूँ। और ये देखिए, ये तो पहले मैं ही सिलवाने वाली थी ये वाला भी, तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास ज़्यादा हैवी सूट और भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं ये वाला सूट ना मम्मा के लाने के लिए, मतलब कलर भी अच्छा है और बहुत ही मतलब लाइट कलर थोड़ा थोड़ा, तो मैंने सोचा ये मम्मा के लिए चलेगा, ठीक है। तो ये मम्मा के लिए है, काफ़ी अच्छा है ये भी, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। तो ये मम्मा का सूट है, आप देखिएगा पूरा। तो इसको भी मैं डाल लेती हूँ फटाफट फोल्ड करके, जाएंगे तो टेलर के पास ही ना, फटाफट इसको फोल्ड कर लेते हैं। दुपट्टे इनके घर पे छोड़ देते हैं, ठीक है, दुपट्टे नहीं ले लिए। एक सूट ये है फ्रेंड्स, तो ये भी सिलवाऊंगी मम्मा के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। माँ भी यहाँ पे बैठी हुई है, तो जब तक गाड़ी नहीं आती है तब तक हमें यहाँ पे बैठना पड़ेगा, 5-10 मिनट की वेट करना पड़ेगा, गाड़ी आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कब तक गाड़ी आती है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं हम गाड़ी का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए गाड़ी अभी एक गई है और दूसरी गाड़ी आ गई है। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी में। तो बस अभी माव्या देखिए गाड़ी में बैठ गई है, और माव्या फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठी थी ना, तो ये मिनी बस होती है, इसमें जब बैठी माव्या तो माव्या रोने लगी, तो अभी देखिए चुप हो गई थी। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं, तो चलिए आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं बाजार में, मार्केट में। ओ देखो, तेरे को बीबी लेनी है, चल बीबी लेके दो चिप्स लेनी। तो अभी चिप्स लेनी है, जो है सूट है वो हम देंगे टेलर को, सबसे पहले सिलवाने के लिए देंगे। और चलिए अभी पहुंचने ही वाले हैं, तो आपको दिखा देते हैं कि हमारे यहाँ की जो मार्केट की जो जो टेलर की दुकान है वो काफ़ी बड़ी है, और काफ़ी एकदम मतलब एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे सूट सिलते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, अभी चलिए आपको अभी यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं। तो पहले ही जाते ही मेरा नंबर आ गया था, नहीं तो यहाँ पे लाइन वगैरह लगानी पड़ती है नाप के लिए, तो मुझे पता नहीं था। तो जो टेलर हैं उन्होंने हमें बोला कि जो सूट के साइड की जो सिलाई होती है ना, तो उसको निकाल दो। तो फिर मैंने क्या किया कि बैठ के 15 मिनट मुझे लगे वहाँ पे, जो सारी सिलाई होती है ना साइड साइड पे, सभी मैंने उधेड़नी थी। तो फिर मैंने इतना सारा काम करना पड़ा मुझे, सिलाई निकालनी पड़ी, तो तब जाके। और जो मम्मा जी का सूट है ना,
ये बना ही नहीं क्योंकि मम्मा जो है हेल्दी हैं थोड़े, तो उन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि ये सूट नहीं बनेगा। ठीक है, तो नाप देने के बाद मैं आ रही थी सब्जी की दुकान पे, यहाँ से मैंने ऑरेंज और थोड़ी सी सब्जी ली थी मैंने, और मैंने उनको बोला था कि आप डाल दो सब्जी और मैं जस्ट थोड़ी सी दूसरी दुकान से होके आती हूँ, जो मैंने चाहिए था वो मैंने उनको बोल दिया था डालने के लिए, ये ऑरेंज बोला था मैंने। तो तब तक वो सब्जी डालते हैं, मैं चलिए यहाँ पे देखिए माबिया को मिल गए थे चिप्स वगैरह लेने की कर रहे थे, तो मैंने चिप्स नहीं खिलाती हूँ माबिया को बाहर की, मैं खुद की बनाई चिप्स देती हूँ माबिया को। तो इसको देखिए चिप्स की पहचान है इसलिए चिप्स मांग रही थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे और कोई दुकान मिल भी नहीं रही थी मेरे को, तो फिर मैंने इसको लेके दिया पॉपकॉर्न। ठीक है, पुफ लेके दिया था मैंने इसको, ये देखिए पॉपकॉर्न है वो, तो ये लेके दिया और कुछ नहीं दिया था मैंने, बस यही लेके दिए, काफ़ी है बच्चे के लिए। तो खाती कहाँ है, बैठ के बैठ जाए तो फिर खाती, ऐसे चलते चलते कहाँ खाना था, लेकिन जिद कर रही थी इसलिए मैंने लेके दे दिया। और मैं आ गई थी फिर यहाँ पे दुकान के ऊपर, और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था दुकान के ऊपर कि सामान भी नहीं ले पा रही थी मैं। तो फिर मैंने वीडियो बनाने के लिए तो कोई और चाहिए था, तो फिर एक लड़की मिली मुझे, मैंने बोला कि आप मेरी वीडियो शूट कर दो क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान लेना था। तो फिर देखिए यहाँ पे मैं अपनी बिंदी जो है वो चूज़ कर रही थी कि मुझे कौन सी बिंदी लेनी है कौन सी नहीं, तो मैंने यहाँ पे देखिए 2-3 पत्ते जो हैं बिंदी के लिए थे और मुझे यहाँ पे कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। पहले मैंने इस तरफ देखी, इस तरफ भी छोटी छोटी बिंदी है जो कि ऑलरेडी मेरे पास घर पे पड़ी हुई थी, फिर मैंने ये वाली नहीं ली। तो फिर मैंने यहाँ से एक पत्ता उठाया, लेकिन ये जो मैं अभी देख रही हूँ ना, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी बिंदियाँ, तो फिर बिंदियाँ बहुत ढेर सारी बिंदियाँ, तो इस तरफ भी मेरे पीछे भी हैं और इस तरफ भी बिंदियाँ, ये देख सकते हैं आप बहुत सारी बिंदियाँ यहाँ पे। इतनी बड़ी दुकान है, आप जो जिस तरह की बिंदी चाहते हो उन्होंने अंदर भी स्टोर में रखी होती है, वो भी आपको निकाल के दे सकते हैं, लेकिन मुझे घर के लिए चाहिए थी। तो देखिए अभी मैं यहाँ से ही ले ली हूँ, तो अभी जो मेरी फ़ोटो वीडियो कर रहे थे ना, बना रही थी, तो वो चली गई थी। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं सीधा घर पे आ गई थी, क्योंकि माबिया ने मुझे इतना परेशान कर दिया था कि मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। तो देखिए बच्चों की फिंगर पकड़ना ज़रूरी है, नहीं तो ये छुड़ा के भाग रही थी माबे वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये इतना सारा मैंने सामान जो है मार्केट से लाया था। ये मैंने माबे के लिए रबर बैंड जो लाए हैं, ये माबे की जो बाल है ना बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो अभी बड़े रबड़ में आते नहीं हैं। और ये फाउंडेशन है और थोड़े से झुमके लाए थे मैंने अपने के लिए, क्योंकि मुझे ना ज्वेलरी सोने की ज्वेलरी पहनने का शौक ही नहीं है, और मैं ना आजकल यही पहनती हूँ, मतलब आर्टिफिशियल जो है बहुत अच्छी लगती है मुझे ये वाली चीज़ें, सोना मुझे पसंद ही नहीं है। तो आपने देखे होंगे कि मैंने पहली वीडियो में डाले हुए हैं, जो कल वाली वीडियो आई थी ना उसमें मैंने डाले हुए हैं। तो ये वीडियो आज 2 डे पहले की वीडियो है, मैं आज डाल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था इस वीडियो को सेव करने का। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ी सी परफ्यूम वगैरह मैंने ली थी, यही चीज़ें कम हुई थी और डायपर थे बेबी के, तो बस। तो फ्रेंड्स इतनी सी शॉपिंग हुई है आज, और ज़्यादा मैंने सामान नहीं लाया हुआ है, तो बस इतना सा ही लाया, आप देख पा रहे होंगे, देखिए माबे के लिए, तो ये रहा वो वाला सामान। तो फ्रेंड्स अभी नाइट हो गई है, खाना वाना खाया अभी जस्ट, तो मैं अभी बैठी थी तो मैं देख रही थी कि मेरा कौन सा सामान जो है कम है और कौन क्या क्या आया है क्या क्या नहीं आया है। तो फाइनली जितना मुझे चाहिए था सामान वो आ गया है। तो चलिए अभी मैं यहीं पे ब्लॉग को भी एंड करूँगी, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।